आज उन्होंने ये कहा कि अब की बार 400 पार, हालांकि जो भी उनका अचानक से बोल दिया है, जो भी, हालांकि ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उसके बाद बीजेपी सोशल मीडिया पर भी क्या कहेंगे इस विषय? हाँ, तो अब की बार 400 पार तो जो है विपक्षी आ सकता है, क्योंकि ये 400 पार का रिकॉर्ड जो है वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर है, तो अभी तक तो कितना ही भी आप कर लीजिए, अभी तो उसके आसपास भी नहीं छू रहे हैं आप, और ये अगली बार तो इनको आना नहीं है बीजेपी को। लेकिन इन्होंने तो बीजेपी के लिए बोला ना? नहीं, वो बीजेपी के लिए नहीं बोला, वो आप उसको मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि विपक्ष, सब संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा होकर के 400 पार आएगा। अच्छा, इंडिया अलायंस एकजुट होने की बात कह रही है कि कांग्रेस, मुझे डाउट है कि 40 भी सीट ले आ पाए, तो सामने से खुला चैलेंज कर रही, कैसा एकजुट हो रहा है? देखिए, वो स्टेट के अंदर अलग लड़ाई होती है। अब वहाँ जाहिर सी बात है कि बंगाल और पंजाब की स्थिति अलग है, शायद ये इंडिया गठबंधन की अपनी स्ट्रेटेजी होगी कि वो विपक्ष का स्पेस जो है बीजेपी को नहीं देना चाहते पंजाब और बंगाल में, शायद उस स्ट्रेटेजी के तहत बंगाल और पंजाब में ये काम हो रहा है। ज्ञानवापी मामले पक्ष को हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में जो पूजा है वो कंटिन्यू रहेगी। अब ये मैटर कोर्ट का है, जाहिर सी बात है, इससे एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी आबादी को मायूसी हाथ लगी है, और ये केंद्र सरकार को तय करना पड़ेगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी तय करना पड़ेगा कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको इस देश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट पास कर चुका है, एक्ट बन चुका है कि 1991 में जो स्थिति जिस धार्मिक स्थल की थी वो उसी स्थिति में रहेगा, लेकिन उसका वॉयलेशन ये हो रहा है, ये पंडोरा बॉक्स खुला है, कहां तक जाएगा ये बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट को इस पर जो है अपना निर्णय देना पड़ेगा।